हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, इसको बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी सादृश्यता और संबंध हिंदी में बोलते हैं। और इस तरह के सवाल अगर आप हल करना चाहते हैं, मात्र 15 सेकंड में हल करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दिमाग में, आपका कम से कम 1 से 20 तक स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 11 स्क्वायर क्या होता है, 12 स्क्वायर क्या होता है, 13 स्क्वायर क्या होता है, कम से कम ये जानकारी होना चाहिए। जैसे कि 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको वीडियो में ये दिखा दूंगा कि इसका कितना अहमियत है दोस्तों। और क्यूब कम से कम 1 से 10 तक। देखिए, अब पहला सवाल, यहाँ पे सारे सवाल मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आए हुए सवाल हैं। और सवाल दोस्तों रिपीट करता है एग्ज़ाम में, हमेशा रिपीट करता रहता है। देखिए, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में भी ये दोस्तों काम करेगा आपके। अब चलिए हम आपको समझा देते हैं सारे सवाल और यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से स्क्वायर का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा रोल है। 122 है, 170 है, 290 है, इसमें क्या सिमिलैरिटी है ध्यान दीजिएगा। 122 से 170 कैसे आया? तो देखिए, 122 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? ऑब्वियसली आपको 11 के नज़दीक है, क्योंकि 11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आता है 121। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 11 स्क्वायर प्लस 1 किया गया, ठीक है, तो 122। अब 170 169 के नज़दीक है, यानी 13 स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक 11 स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 13 स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगर याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि ये किसके नज़दीक है, ठीक है। यहाँ पे 16 स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 17 स्क्वायर 289 आ गए, तो 17 स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो एक बार दोस्तों, यहाँ पे हुआ 11 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हुआ 13 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे जब 17 हो गया तो यहाँ पे 19 स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो चलिए देख लेते हैं 19 स्क्वायर प्लस 1 करके। तो आप जब अगर 19 × 19 करते हैं तो ये कितना आता है, ठीक है, तो ये आता है लगभग 361 के करीब में, ये 361 आएगा दोस्तों। तो 19 × 19 361, तो 19 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 362। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरह से दोस्तों बनेगा। नीचे में देख लीजिए, 42 56 72, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें क्या सिमिलैरिटी दिख रहा है, इसमें आप जोड़ के देख लीजिए एक बार, घटा के देख लेना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए, स्क्वायर करके जो भी संभावना बनती है एक बार ट्राई करके देख लीजिए। 42 10 52 14 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, 14 जोड़ते हैं। अब यहाँ पर 14 जोड़ के देख लीजिए, 72 में अगर आप 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 86 आता है। तो 86 यहाँ पर तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे कुछ और हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम कि स्क्वायर करके देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे 6 स्क्वायर करते हैं, 6 स्क्वायर तो कितना आता है, 36 आता है, 7 स्क्वायर 49 आता है, तो हम 6 पे लेके चलते हैं, 6 स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 42 होगा, तो 4 × 2 = 6, 6 स्क्वायर + 6 करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। आप नहीं तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सोचिए, और अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर ना आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप वीडियो को प्ले करके फिर से देख लीजिए। तो 42 कैसे आया, 6 स्क्वायर + 6 किए हैं यहाँ पे, तो 36 + 6 = 42 हो गया। और 56 कैसे आया दोस्तों, 7 स्क्वायर + 7, 7 स्क्वायर कितना होता है, 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 56 आता है, ठीक है। इसी तर्ज पे दोस्तों यहाँ पे 8 स्क्वायर + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, उसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आपको 72 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर + 6 = 7 स्क्वायर + 7 = 8 स्क्वायर + 8 हो गया, तो अब क्या होगा, अब होगा 9 स्क्वायर + 9, तो 9 स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखिए, ये जैसे सवाल मैं बताने वाला हूँ, इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और उसके बाद अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए। 32 65 43 76 64 63 73, यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या किया गया है, 32 65 43, पहले इसको देखिए, ठीक है, पहले इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा पहले जोड़ के देखिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप तेज नज़र अगर यहाँ पे रखे होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, वह है 3 से 4 2 से 3 6 से 7 और 5 से 6, यहाँ पे एक एक अंक बढ़ा दिया गया, ठीक है,
तीन है तो यहाँ पे चार है, दो है तो तीन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है, एक एक अंक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से इसमें बढ़ा के देखिए, चार को पाँच कर दीजिए, छः को सात कर दीजिए और सात को आठ कर दीजिए, तीन को चार, तो क्या निकल के आएगा, पाँच सात आठ चार, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फोर राइट हो रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि 24 60 260, यहाँ पे 210 है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था आपको कि स्क्वायर क्यू का कितना रोल है, यहाँ पे वो करके देखिए। अब 24 से 60 कैसे आया, मे भी हो सकता है जोड़ने से आया हो, तो यहाँ पे भी जोड़ के देख दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जोड़ते भी हैं तो ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, यहाँ पे 24 6 30 6 36, यहाँ पे 36 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसी तरह से जोड़ते हैं 36, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये कंडीशन फाल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ अलग करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर या क्यू करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 24 किसके नज़दीक है, ठीक है, तो 24 किसके नज़दीक है, 27 के, है ना, 27 क्या है, 3 का क्यू है, ठीक है, 3 का क्यू है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, 3 क्यू माइनस 3, ठीक है, तो 24 आया है। अब 60 देखेंगे, 60 कैसे आया, 60 किसके नज़दीक है, 64 के, यानी कि 4Q के, ठीक है, 4Q, तो 4Q माइनस 4, अब 3Q माइनस 3 हो गया, ये हो गया 4Q माइनस 4 हो गया, अब ये किसके नज़दीक होगा, अब ये आपको अगर Q याद होगा 10 तक, तो यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप 6 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 गुणे 6 36 36, में 6 से करते हैं कितना आता है, 216, ठीक है, अब 6Q माइनस 6 हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, तो 210 आया है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये हो गया आपका 3Q माइनस 3, ठीक है, ये 3Q माइनस 3, ये हो गया आपका 4Q माइनस 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 6Q माइनस 6, तो आगे क्या होगा, आगे होगा आपका ऑब्वियसली आपका 7Q माइनस 7 होगा। अब दोस्तों 7Q कितना होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 49 सत्य कितना होता है, ये होता है 343, तो 7Q माइनस 7 यानी कि 343 माइनस 7, 343 माइनस 7 कितना होता है, 336, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे अगला सवाल है कि 6 है 222 से 7 है। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है पक्का, क्योंकि 6 से 222 हो गया है सीधे, तो हम क्या करेंगे कि 6Q करके देखेंगे, तो 6Q करेंगे तो 36 आएगा, 6Q करते हैं तो कितना आएगा, 6Q करेंगे तो यहाँ पे 36 गुणे 6 कितना होता है, 216 दोस्तों यहाँ पे होगा। ठीक है, 6Q बराबर 216 होगा, अब 6Q 216 हुआ तो 222 कैसे आएगा, तो 6Q प्लस 6 अगर हम करते हैं यहाँ पे तो 222 आ जाएगा, 6Q प्लस 6। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 7Q प्लस 7 करके देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं, तो 7Q करेंगे तो कितना आएगा, 7Q करेंगे तो 343 आ जाएगा दोस्तों, 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, तो 7Q हो जाएगा, तो 49 सत्य कितना होगा, 343, अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो 343 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 350 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 6Q प्लस 6 और 7Q प्लस 7 किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों सवाल है कि 24 से 60 है 120 है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सोचिए, आप खुद सोचिए थोड़ा, और मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पे 24 से 60 कैसे हुआ, तो ओवियसली यहाँ पे जोड़ा गया होगा निश्चित रूप से, या घटाया गया होगा या गुणा किया गया होगा, स्क्वायर तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 24 स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24 6 36 36 ऐड, अब 36 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, लेकिन ये भी तो अप्लाई होना चाहिए, अब इसमें अब 36 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 156 आएगा, ऑप्शन में नहीं है तो ये यहाँ पे मैच नहीं करेगा, अब यहाँ पे कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। तो 24 से 60 लाने का एक ही तरीका, जोड़िए घटाइए यहाँ पे गुणा कीजिए कुछ भी इसमें से, यही है, तो 24 जोड़ के तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे घटा के तो यहाँ पे घटा तो सकते नहीं 24 में से 60 लाने के लिए, तो गुणा करके देखेंगे दोस्तों, तो 24 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे, किस संख्या से हम इसमें गुणा करेंगे कि यह 60 आ जाए। ठीक है, 60 आ जाए तो क्या करेंगे, 24 गुणे x बराबर 60, x बराबर कितना होगा, 60 बटा 24,
यानी कि 12 पचे 60, 12 दो 24, तो x बराबर कितना होगा 5/2। अगर आप 24 में 5/2 से गुणा करते हो तो आप 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 120 में अगर हम 5/2 से गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे 120 में अगर हम 5/2 से गुणा करते हैं तो 300 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 300 दिया है, ये कंडीशन मैच कर रहा है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हमेशा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे आखिर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्यू कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, हर तरह से यहाँ पे हर तरीके से आप आजमा करके देख लीजिए। और अगर आप हमेशा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमेशा वीडियो देख रहे हैं इस तरीके के, तो आप देखते ही ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा यहाँ पे करना क्या है, तुरंत ये चीज़ का एहसास हो जाता है। यहाँ पर देखिए 19, 37, 26, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा आप सोचिए 19 × 38, बहुत सारे लोग जज कर लिए होंगे अब तक कि क्या होगा, 19 × 2 − 1, ठीक है, 19 × 2 − 1, अब यहाँ पे 26 × 2 − 1, 51 अगर दिया है ऑप्शन में तो ठीक है, दिया है दोस्तों, ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बनता है आपका एनालॉजी का सवाल, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करते हैं तो इसको भी अब ताए तो बीच वीडियो को दोस्तों रोक करके आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए 7 है 50 है 11 है, यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या किया गया है दोस्तों, थोड़ा सोचिए। यहाँ पे अगर आप 7 स्क्वायर करते हैं, 7 स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49 आता है, प्लस 1 कर दीजिए 50 आ गया। यहाँ पे सेम हम कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, 11 स्क्वायर + 1 तो कितना आएगा 122 ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, नीचे में देखिए इस सवाल को थोड़ा गौर कीजिएगा, 7 5 8 4 5 3 6 2 4 6 7 3, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लगता है, आप थोड़ा नज़र अगर आपका तेज़ है तो आप पकड़ लीजिएगा, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा दोस्तों, आपका अगर नज़र तेज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया गया, बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया गया है, ट्रिक यूज कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है 4। अब आपको दिखा, अब दिख गया आपको, दो दो अंक इसमें घटाया गया दोस्तों, 7 से 5 दो अंक घटाए, 5 से 3 दो अंक घटाए, 8 से 2 या देखिए 4 में से 2। इसी तरीके से हम इसमें घटा के देखेंगे, अगर ऑप्शन दिया होगा तो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 तो सब में है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 भी इसमें से दोनों ऑप्शन में है, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, ये नहीं है दोस्तों, ये इसी में है, और 3 में से 2 1, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बिल्कुल। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों सवाल है कि 5 36 6, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 5 स्क्वायर भी करते हैं तो 5 स्क्वायर 25, अब 10 जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा, अब 6 स्क्वायर करेंगे 36, 11 जोड़ेंगे तो 46 × 47 हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये फाल्स हो जाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम कीजिए आप कि 5 में आप जहाँ तक पॉसिबल आप गुणा कीजिए, ठीक है। तो 5 में मान लीजिए आप 7 से गुणा करते हैं तो प्लस भी, बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं कि जिससे गुणा किया जाता है वही संख्या ऐड करके देखा जाता है, तो 5 में 7 से गुणा करते हो, 5 × 7 = 35, 7 = 41 हो जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे ऐसे आप दीजिए 5 में 6 से गुणा करके देखिए, ठीक है, तो 5 × 6 + 6 कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो ये में क्या किया गया 5 के साथ, 5 × 6 + 6 किया गया। अब सेम यही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, एक संख्या बढ़ा के गुणा किया गया फिर ऐड किया गया, तो इसमें अगर आप एक संख्या बढ़ा के 6 के बाद 7 यानी एक संख्या बढ़ा के आप गुणा कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 × 7 = 42, 7 = 49, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे एक बोल सकते हैं कि 5 × 6 + 6 और एक है आपका 6 × 7 + 7, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है, ये वाला हो गया आपका ये वाला और ये हो गया आपका इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 49 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला है दोस्तों 182 और यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, 210 380, और इसका जवाब आप दोस्तों सोच के दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने
दिमाग को कितना लॉजिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो अपने माइंड से। तो इसका जवाब अगर आप सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि ये होगा जवाब, तो आप यहाँ पे कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर आपका एक होगा, 342 होगा। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आता होगा तो यस लिख दीजिएगा, हाँ हमने बना लिया था। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।